मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर पिता यशवंत सिन्हा के लेख का जवाब उनके बेटे और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की तरफ से आया है। पिता की तर्ज पर उन्होंने भी एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है, जिसमें अपने पिता की राय से असहमति जाहिर करते हुए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का जमकर बचाव किया है। अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि वर्तमान अर्थनीति नए भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है। पारदर्शी, प्रतियोगी और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव हो रहे हैं। एक या दो तिमाही के नतीजों से अर्थव्यवस्था का आकलन ठीक नहीं है। जीएसटी और नोटबंदी गेम चेंजर हैं। करीब 5,000 गांव ही ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुंचाना बाकी है, जो 2018 तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जो लेख लिखे गए हैं उसमें तथ्यों की कमी रही है। गौरतलब है कि एक अंग्रेजी अखबार के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जमकर निशाना साधा था। सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी ने गिरती जीडीपी को और कमजोर करने में अहम भूमिका अदा की है। तंस कसते हुए सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को काफी करीब से देखा है। अब जिस तरीके से उनके वित्त मंत्री काम कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि सभी भारतीयों को गरीबी पास से दिखाएंगे। आज के समय में ना ही नौकरी मिल रही और ना ही विकास तेजी से हो रहा है, जिसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट और जीडीपी पर पड़ रहा है। एसपीएनआई न्यूज के लिए काशिफ की रिपोर्ट।